हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको सेब तुड़ान से पहले जो कुछ स्प्रे हमें अभी करनी चाहिए 1 महीने के अंदर, ये आपके थोड़े दिन बचे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली जो हमारी नोटिफिकेशन हो वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। तो दोस्तों, कलर और शाइनिंग के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैप्टान कर सकते हैं। अगर कैप्टान ना मिले तो आप जरम की एक दवाई मिलती है, वो भी आप कैप्टान के बदले यूज़ कर सकते हैं। अवतार करके भी एक आती है, उसे भी आप डाल सकते हैं। ये 600 ग्राम आपने 200 लीटर पानी में डाल के स्प्रे इसकी करनी है दोस्तों। और अगर आपको शेडी साइड है आपकी, जहाँ पर कालापन सेब में दिखाई देता है, तो आप एरोगन की स्प्रे भी कर सकते हैं दोस्तों शाइनिंग के लिए। और अगर आपके पास 25 दिन, 20 से 25 दिन है अभी तुड़ान के लिए बचे हुए, तो आप कलर के लिए पोटाश या शमीर की स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी से जल्दी कलर चाहिए, जैसे 5-6 दिन, 7-8 दिन तक कलर चाहिए, तो वही हमारा पुराना फॉर्मूला, वैसे इसे बंद भी कर कह रही है सरकार की, इथर को बंद कर दिया जाएगा। तो आप इथरल 400 ml और प्लेनोफिक्स 100 ml की स्प्रे करके अच्छा कलर ला सकते हैं दोस्तों। तो यही थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.